कम्यूटेबल फिटनेस सेंटर में के बारे में मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ यहाँ अस्तोर की जिंदा फौजिया इब्राहिम भी मौजूद है। यहाँ आज उनको तकरीबन 93 को तकसीम किया। यहाँ पर मजीद तकरीबन 200-250 ऐसे लोग भी थे जो मुश्ताक थे, लेकिन उन तक फूड पैकेज नहीं मिल सका। इधर जब यहाँ दूसरी जानक यहाँ फौजिया इब्रार का कहना है कि हमने मिलेट को मलहूज खाते रखते हुए यहाँ अस्तोर के जितने भी गाँव हैं इसमें फीना, ईदगाह, गिरकोट, पतिपोरा, चोंगरा, इसके बाद लोस, ये ऐसे गाँव थे यहाँ से मुश्ताक अफराद को चुन चुन कर इनको यहाँ पर तकसीम किया गया। हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फौज इब्रार ने इस मिलेट को किस तरह उन्होंने रखा। आपने ये जो आपने एक अच्छा काम किया रमज़ान में, गरीबों को दे दिया, गरीबों के आपको दुआएं भी लगेंगी इंशाल्लाह, तो आपने कैसे सोचा और कहाँ से किस तरह इस तरह बराबर किया? और जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अन्ना बेगम कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट वालों का जिन्होंने मुझे रमज़ान राशन का पैकेज दिया था। मैंने उन लोगों का नाम डाला जो मुस्तहिक थे इसके, जिनमें ख्वातीन भी थी, उसके बाद यतीम बच्चे भी थे, गरीब लोग भी थे, लेकिन आज यहाँ से 93 मैंने उनको पैक भी बना के दिए, लेकिन आज यहाँ से काफ़ी सारे लोग जो है ना खाली गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अमना बेगम कम्युनिटी वेलफेयर ट्रस्ट वाले आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। शुक्रिया। यहाँ तकरीबन 93 फूड पैकेज उन्होंने तकसीम किया। मजीद ऐसे जो लोग हैं उनको फूड पैकेज नहीं मिला। इनका यही इरादा है कि रमज़ान 15 तारीख से पहले इंशाल्लाह जो लोग रह गए हैं उन तक भी ये फूड पैकेज पहुँचाया जाएगा।